जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 8 जनवरी 2023 से लेकर तारीख 15 जनवरी 2023 तक का है। सबसे पहले इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूँ। इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube.com/beautywithastrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाएँ। सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा से रूबरू होंगे आप और 8, 9 और 10 तारीख की सुबह 9 बजे तक चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, तो इसका पूर्ण असर जो है संडे और मंडे, रविवार और सोमवार आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा दिन जाएगा। इसके लिए मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव आगे बताती हूँ। तारीख 8 को द्वितीया तिथि की वृद्धि है। तारीख 10 को अंगार की संकष्टी चतुर्थी है। जिन लोगों ने गणेश जी का ये व्रत संकट नाश के लिए रखा है उनको बता दूँ कि चंद्रोदय रात्रि 9:10 पर होने वाला है। आप चंद्र का उदय देखकर व्रत खोल सकते हैं। 11 तारीख को सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 2:12 पर। इसका वीडियो आपको मिलेगा। 12 तारीख को मंगल मार्गी हो जाएंगे देर रात को, मतलब ये 13 की ही तारीख समझिए। इसी दिन बुध पूर्व में उदित हो जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में रात्रि 8:44 पर प्रवेश करने वाले हैं। मकर संक्रांति की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ आपको ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इस दिन का महत्व आपको मैं बता रही हूँ कि आपको दान करना चाहिए इस दिन। खिचड़ी यानी कि हरी मूंग की दाल छिलके वाली और उसके साथ चावल। इसके अलावा आप दान कर सकते हैं तिल, गुड़, सफ़ेद तिल और काले तिल दोनों, और गुड़ को भी दान कर सकते हैं। कोई सीजन फ्रूट जो आप दान करना चाहें, और अगर आप तिल गुड़ जो महाराष्ट्र में बटता है, जो तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं वो दान करना चाहें तो भी कर सकते हैं। गेहूं का भी दान कर सकते हैं क्योंकि ये सूर्य का दान होता है और सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं शनि के घर में, तो हर प्रकार से संकटों से रक्षा करने के लिए ये दान पुण्य किया जाता है। 15 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्यकाल सुबह से मनाया जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो मकर संक्रांति 15 तारीख को ही मनानी चाहिए। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना बताती हूँ मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदे। माता से रिलेटेड आपको कोई समस्याएं थी, उनकी तबीयत खराब थी या उनसे कुछ लाभ होने वाला था, ये दोनों स्थिति में आपको आराम मिलेगा और घर में सुख सुविधा हेल्पर से सुख मिल सकता है। मंगल मार्गी होने वाले हैं जल्द ही, और मंगल के मार्गी होते से आपकी तबीयत अच्छी, नौकरी पेशा लोगों के लिए काम खोलेगा, पैसों की आवक होगी। क्योंकि सूर्य जाने वाले हैं मकर राशि में, आपके 2 से 3 दिन थोड़े से संभालने वाले हैं जब तक 17 तारीख को शनि का प्रवेश नहीं हो जाता कुंभ राशि में, और उसका वीडियो मैंने विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। जब तक सूर्य शनि 3 दिन साथ में हैं, आप चोट लगना, कार्यों में कोई गलत डिसीजन लेना और पिता की तबीयत का ध्यान रखना, ये तीनों ही चीज़ें आपको करनी चाहिए। उसके बाद आप पब्लिक रिलेशन से कोई व्यवहार करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हैं जो सरकारी दरबारी काम हो। प्रेम संबंधी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्टेड होती नजर आती है मुझे, और आप अब आगे तो बढ़ सकते हैं शादी के लिए, लेकिन जब शादी करेंगे तो और जांच पड़ताल कर लीजिएगा। आपके मानसिक स्तर थोड़े से बिगड़ सकते हैं, आप बेचैन हो सकते हैं क्योंकि सूर्य जो है शनि के घर में प्रवेश कर सकते हैं। कामकाज का बोझ और कामकाज की चिंता आपको दोनों ही रह सकती है। विवाहित जीवन के हर प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड करने के लिए गणेश जी की आराधना और मानसिक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आप गायत्री के जाप और सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। अभी जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए अच्छी है। शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है और सूर्य भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तो फिर शुक्र थोड़े से अनकंफर्टेबल होते नजर आते हैं, जिसके कारण पैसों को संभालना और अपने कोई ऐसे काम जिसमें लोन्स वगैरह लेने की बात है
तो आप संभाल के करें। बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पढ़ाई को पुश करना पड़ेगा, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी चैलेंजिंग है। थोड़ा आवेदन वगैरह सोच के भरिए कि आप कौन सी नौकरी मांग रहे हैं। वृषभ राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र, जो भाग्य भाव में बैठे हैं, आपको हर प्रकार की सुख सुविधा कामों में ला के देते हैं, और अभी तो शनि वहाँ बैठे हैं तो आपके कई सारे काम आर्ट और मीडिया से रिलेटेड भी बनते हैं। सूर्य के वहाँ प्रवेश से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। फिर आपको माता पक्ष की तबीयत संभालना, साथ में काम संभालना, घर की सुख सुविधा संभालना, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, वाहन की जो कोई समस्या हो उसे ठीक करना और काम करना, प्रेशर बढ़ेगा, वर्क प्रेशर, और थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कई सारे काम जो विवाहित जीवन से संबंधित थे, अब मंगल के मार्गी होते से ही होना शुरू हो जाएंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके कुछ काम अटके हुए थे, तो आप जमीन जायदाद से रिलेटेड काम भी उनके साथ मिलकर बना सकते हो, और कई सारे काम जो आपके विदेशों में अटके हुए थे तो वो भी थोड़ा बहुत खुल जाएंगे। वीज़ा वगैरह के लिए अब आप आवेदन भर सकते हैं। वैसे बता दूं कि बुध की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हालांकि धनुराशि में बैठ के वो धनस्थान को देखते हैं आपके, इस वजह से आपका संचित धन होने की संभावनाएं भी जस के तस रहेंगी, और गुरु धन लाने का काम भी करते हैं। शनि महाराज आगे खसकने वाले हैं, लेकिन तब तक आप वो वीडियो देख सकते हैं जो मैंने शनि महाराज के लिए दिया है आपको, कि क्या असर देंगे शनि कुंभ राशि में आकर। बच्चों के लिए समय थोड़ा चैलेंजिंग है, अपने तबीयत का ध्यान रखें, पढ़ाई का ध्यान रखें। अगर ध्यान पढ़ाई में कोई दिक्कतें आती हैं तो आप गणपति नमः का जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए कई सारे काम जो बुध से रिलेटेड थे वो बुध बनाता है, आपकी प्रखर बुद्धि करता है। आपके शुक्र के भी भले ही अष्टम में जाकर शनि के साथ आसन जमा के बैठे, लेकिन फिर भी बुद्धिमानी से काम होते रहेंगे। आपको कोई गलत थॉट आता है या बेचैनी होती है तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। अभी जो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा उससे आपको हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन, स्पॉन्डलाइटिस, अर्थराइटिस से रिलेटेड परेशानियां अगर बढ़ती हैं तो सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें, और सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम के जाप भी कर सकते हैं। धन लाभ निरंतर बीच बीच में होता रहेगा, उसकी चिंता ना करें, और कार्य भी अवसर प्राप्त होते रहेंगे आपको, उसके लिए भी चिंता ना करें। मंगल के मार्गी होते से ही धन लाभ के स्रोत खुल जाएंगे और विरोधी भी शांत हो जाएंगे जिन्होंने काफ़ी सारे षड्यंत्र आपके लिए रचे थे। अभी बच्चों से रिलेटेड और अपनी अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड आधा अधूरा ज्ञान बेचैन करता है आपको, क्योंकि आप पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, केतु कह रहे थे। स्वग्रही चंद्रमा इस सप्ताह में आपको बहुत खुशियां देंगे, खासकर अश्लेषा नक्षत्र जब रहेगा, और धन लाभ और परिवार में खुशी, बोलने चालने के कामों में लाभ हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न में बैठी चंद्रमा सप्ताह के दो दिन बहुत अच्छे बिताते हैं और आपको हर प्रकार की सुख सुविधा आनंद देते हैं। आपको ये भी बता दूं, मीडिया और आर्ट से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं, धन से रिलेटेड काम बन सकते हैं। अभी परिवार की व्यवस्था जो ठीक चल रही थी थोड़ी ही दिनों में डिस्टर्ब हो सकती है जब सूर्य जो है शनि के घर में आएंगे, और आपको अपना संचित धन और परिवार के साथ संबंध दोनों ही संभालने पड़ेंगे। मानसिक बेचैनी जो आपको बनी हुई थी उससे थोड़ी सी मुक्ति मिलने वाली है, जो अध्ययन और पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको हेल्प करेगी, मित्रों से सहायता दिलाएगी, और अगर कोई वीज़ा वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं तो वो भी पार कर सकते हैं। गणपति नमः के जाप या हनुमते नमः के जाप इसके लिए आप कर सकते हैं। माता की तबीयत का खराब होना या माता को बेचैनी रहना ये कार्ड्स पर है, और उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जो काम ऑफर हो रहे हैं मीडिया से रिलेटेड उनको करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाग्योदयकारी आपके ग्रह गुरु अभी भाग्य में हैं और अच्छा ही काम आपको ला के दे रहे हैं। प्रेम संबंधों वालों के लिए स्थिति अच्छी है, बुध की डायरेक्ट दृष्टि है द्वादश भाव पर, हालांकि द्वादश भाव उनके लिए जो है नीच का हो जाता है, फिर भी कई सारे काम विदेश के वो बनाएंगे। सिंह राशि, आपके लग्नेश जो हैं सूर्य वो जाकर बैठेंगे 14 तारीख 15 तारीख को षष्ठ भाव में, तो वैसे भाव तो अच्छा है लेकिन 17 तारीख तक संभालिएगा। जैसे ही शनि वहाँ से निकल जाएंगे सूर्य आपके कई सारे काम बनाने में तत्पर हो जाएंगे। काम पूरे तो नहीं बनेंगे लेकिन जो भी बनेगा उससे आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। फिर इसके बाद आप समझ लीजिए अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए आपको गायत्री
मंत्र भी करना पड़ेगा, सूर्य को जल भी चढ़ाना पड़ेगा। अभी बुध की व्यवस्था से जो पंचम भाव में बैठे हैं, आपके पैसों की व्यवस्था उत्तम प्रकार से हो रही है और आपको जितना चाहिए उतना पैसा तो मिल ही रहा है। संचित धन करने में भी आप कोताही न बरतें। अभी मंगल के मार्गी होते से ही आपके कई सारे भाग्योदयकारी संदेश फिर से वर्कआउट हो जाएंगे, माता पक्ष से सपोर्ट हो जाएगा और आप अगर यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा पर निकलिए, आपको लाभ होगा। पैसा पाने के लिए भी आप कर सकते हैं बुध के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। स्वग्रही चंद्रमा आपके विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, प्रेम संबंधों में खटास खत्म करते हैं और आनंदी वातावरण करते हैं, शुभ खर्च होते हैं आपके। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और जाकर बैठे हैं धनु राशि में, जिस कारण आप बेचैन हैं। चतुर्थ में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, फिर भी कामकाज तो बढ़ ही रहा है और मंगल के मार्गी होते से तबीयत भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। गंग गणपति नमा के जाप बुधवार के दिन करना आपके लिए उत्तम रहेगा। परिवार में विघटन जो है और परिवार से रिलेटेड समस्याएं दूर करने के लिए आप महाकाली की आराधना दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। शादी के योग बने हुए हैं, 23 अप्रैल तक वर वधु का चयन भी सच्चा और अच्छा हो जाएगा, आप कर सकते हैं शादी। अभी फिलहाल जो धन की व्यवस्था है सप्ताह के शुरुआत में बहुत अच्छी बनी रहेगी, आप धन अर्जित करने सभी राहें खोल दीजिए और विदेश रिलेटेड जो आपके संबंध हैं, जो आपके काम हैं, वो थोड़े से अभी डाइसी ही रहेंगे। उसके लिए आपके गलत फैसले ना हो जाएं और आप गलत डिसीजन ना लें, इसका ध्यान लीजिएगा। बच्चों से रिलेटेड भी कुछ इस तरीके से समस्या होंगी तो वीज़ा वगैरह लेने में परेशानी अध्ययन पढ़ाई के लिए हो सकती है। भाग्योदयकारी संदेश निरंतर आते रहेंगे आपको और जो कामकाज आप यहाँ विद इन इंडिया करना चाहते हैं वो हो सकते हैं, उनको थोड़ा पुश कीजिए। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है एपी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशंस ओपन हैं अभी फिलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा अंधेरी वेस्ट मुंबई। तुला राशि के लिए लग्न में बैठा हुआ केतु आपको निरंतर बेचैन, आधा अधूरापन और अपने आप में एक विषाद देता है, जिस विषाद से दूर रहने के लिए आपको गणेश जी के जाप करने चाहिए। मंगलवार के दिन याद रहे कि आपके परिवार की जो व्यवस्था है वो अब अच्छी होने जा रही है, संचित धन बनने जा रहा है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बोलने चलने के कामों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। काउंसलिंग कंसल्टेशन, या आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल मंगल के मार्गी होते से ही आपके वैवाहिक जीवन में जो बहुत सारी खटास थी वो भी कम होगी और इन किन प्रकार कुछ बातें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सप्ताह की शुरुआत में जो चंद्रमा कर्क राशि में है उससे जो सीए हैं, पैसों का काम करते हैं, बैंकिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का करते हैं, शेयर मार्केट का करते हैं, उनसे रिलेटेड भी समस्याएं दूर होंगी। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन में आप निवेश कर सकते हैं। याद रहे कि आपके धन की स्थिति जो है वो सूर्य के मकर राशि में आने के बाद थोड़ी बिगड़ सकती है। जो ऑफर्स आपको पैसों के मिलने वाले थे वो ख़राब ना हो, इसलिए आपको पिता से सहयोग लेना चाहिए, केसेस और विवाद में नहीं उलझना चाहिए, माता की तबीयत का ध्यान भी रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल होने वाले हैं मार्गी, और ये बहुत अच्छी खबर है। बहुत दिनों तक वो वक्री थे, अब आपकी हिम्मत हौसला पूर्ववत होगा, आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टेट एजेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप कोई सर्जन हैं या कोई बड़े अहदे पे काम करते हैं, मिलिट्री में हैं या आप पुलिसकर्मी हैं, तो आपके काम व्यवसाय सब अच्छा हो सकता है। आपके कई सारे काम सप्ताह की शुरुआत में भी बनने वाले हैं, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा है और स्वग्रही चंद्रमा ये कार्य करने में सक्षम है। अभी फिलहाल बुध आपकी वाणी को संभाले हुए हैं और तबीयत को भी संभाले हुए हैं। आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं, सिर्फ मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है।
शनि इस सप्ताह में अभी तक आपको अच्छा ही असर दे रहे हैं। गुरु भी आपके बच्चों की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, जो मानसिक विचार हैं उसमें भी प्रबुद्ध रखते हैं आपको। और वीज़ा वगैरह लगाना, ज्ञान पढ़ाई के लिए जाना आगे, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां हैं। अगर आप गणेश जी की आराधना करें तो आपके ये काम भी सुलट सकते हैं। वैसे बता दूँ कि सूर्य का ये गोचर आपको सुहाएगा और सूर्य के गोचर से आपके कई सारे काम पिता से रिलेटेड और गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, कोई कामकाजी पेपर है उससे रिलेटेड या नौकरी से रिलेटेड बनते नजर आते हैं मुझे। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश चतुर्थ में आपके जो ढैया चल रही थी ना वो खत्म होने वाली है, इसलिए तैयार हो जाइए काम करने के लिए। बहुत आराम कर लिया, बहुत बोल चाल भी कर दी, झगड़े करती है, इससे भी आप बचेंगे, आप कामकाज में लगेंगे, परिवार का फुल सपोर्ट, संचित धन होना शुरू हो जाएगा। अभी जो पैसे आपके रुके हुए थे केतु और राहु की वजह से, राहु आपको गलत सोच देता है, गलत डिसीजन देता है, भ्रमित करता है ना हो, तो आप अपनी माँ की सलाह माना करें जिससे आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आएँ। और बुध की अवस्था आपके फिर भी विवाहित जीवन के वर वधु के जोड़े से आपको सहायता देती है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो अभी वर वधु का चयन आप कर लें, आपकी शादी के योग आगे बनेंगे, लेकिन आप शादी के बाद थोड़े से 30 अक्टूबर तक परेशान रह सकते हैं, इसलिए हो सके तो आप 30 अक्टूबर के बाद ही शादी करें। आपके जो शुरुआती दो दिन हैं सप्ताह के, उसमें अष्टम स्थान में चंद्रमा स्वग्रही रहने से अंदर से तो तबीयत ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, उदास होते हैं आप हमेशा, चंद्रमा कर्क में आता है, तो आप पानी ज़्यादा पिए, शिव जी की आराधना करें। हर प्रकार की कार्यों की उन्नति के लिए बुध सक्षम है इन दिनों, और काफ़ी दिनों तक आपके लग्न में रहेंगे तो आपको बिजनेसमैन की तरह बिहेव करवाएंगे और आपके कार्य होते रहेंगे। शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, आपके लाभ भाव का स्वामी धन भाव में है, तो आपका धन बढ़ेगा, संचित धन में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंगों के लिए अब ये समय उचित, आधा अधूरा तो हो ही जाएगा लेकिन पूरी तरह नहीं, तो अगर पूरी तरह चाहते हैं तो आप गणेश जी की आराधना निरंतर करते रहें और बच्चों का भी इस तरह से ही ध्यान रखें। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठा शनि आगे खिसकने वाला है और 7:30 ही लगने वाली है मीन राशि की, और मकर राशि का लास्ट फेज चलने वाला है 7:30 का। लेकिन हम बात करते हैं लग्न के अनुसार, तो अभी लग्न के अनुसार शनि लग्न में हैं तो आपको कई सारे फायदे जाते जाते दे जाएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं हम मंगल मार्गी हो रहे हैं, उससे आपके धन के लाभ बढ़ते रहेंगे और आपके जो घरेलू परेशानियां हैं वो कम होती रहेंगी, माता पक्ष से सुख मिलेगा, उनकी तबीयत ठीक होगी। पहले से ज़्यादा अब व्यापार की स्थिति बेहतर हो सकती है, निकलिए व्यापार पर, कीजिए बिजनेस आप यात्राओं में भी, उससे भी आपको लाभ होगा और केसेस विवाद से भी मुक्ति मिल सकती है। आपके लिए अभी जो सात्विक धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी हुई है और उसी से अगर पैसा आता है वो काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रहे कि ये काम आधे अधूरे आगे चल के छूट जाएंगे और फिर भलता ही कोई बिजनेस शुरू हो जाएगा। तबीयत को संभालना ज़रूरी रहेगा लग्न में सूर्य आएंगे तो, और हर प्रकार से अपने सरकारी कामों को भी ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने आवेदन भरे हैं नौकरी वगैरह के लिए और दिक्कतें आ रही हैं तो आप कर सकते हैं महाकाल और महाकाली की आराधना। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और इसके कारण आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा व्यवसाय के लिए और समा आनंदी रहेगा। कुंभ राशि, आपके लग्न में आने वाले हैं शनि, लेकिन उससे पहले जाते जाते आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ करते हैं, आपके खर्चे कंट्रोल में करते हैं, विदेश रिलेटेड काम करते हैं। गुरु आपकी धन की व्यवस्था कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, बोलने चालने, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, इन सब से रिलेटेड कामों में आपको वृद्धि देते हैं, आपके केसेस विवाद सुलटाते हैं, परिवार से सपोर्ट देते हैं। और राहु आपके निरंतर कामों को बढ़ाते जा रहे हैं, ऑफर्स लाते जा रहे हैं। वहीं मंगल भी आपके मार्गी होते से ही आपके कोई नौकरी पेशा लोगों ने आवेदन भरे होंगे, कोई सर्जन, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मिलिट्री में जाना चाहते हैं तो उनके भी काम बन सकते हैं। आप लोगों के कामों में अगर व्यत्यय आता है, आधा अधूरापन आता है तो आप एक याद रखें कि आप दुर्गा की आराधना करते रहें जिससे आपके काम सॉर्टेड होते रहें, या हरे कृष्णा के जाप करते रहें। बुध की अच्छी स्थिति के कारण माइंड फ्रेश रहेगा, डिसीजन अच्छे होंगे और बच्चों से रिलेटेड कोई
आपको परेशानियां हैं वीजा वगैरह लगने के, वो भी लग जाएंगे। मीन राशि, लग्नेश गुरु लग्न में हैं अभी 23 अप्रैल तक, कई सारी समस्याएं तो वो ही सॉर्टेड करते रहेंगे। अब आने वाले हैं शनि आपके द्वादश में भी, तो विदेशी कामों में आपकी रुचि या विदेश में ज़्यादा घूमना, प्रेम संबंध फिर से अच्छे होना, धन की व्यवस्था होना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। वैसे भी कामकाज खूब दिमाग पे है, तो कामकाज पिता के साथ मिलके भी कर सकते हैं और काम आपके बढ़ भी सकते हैं। बुध आपके कार्यों की व्यवस्था विवाहित जीवन के साथी और माता पक्ष के साथी के बोलने और उनके सपोर्ट से भी करवाता है। सप्ताह के 2 दिन शुरुआत के बहुत अच्छे हैं, आपको मानसिक बल देते हैं, बच्चों को खुशी देते हैं और एक तरह से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने की योजना बनाते हैं। मित्रगणों से सहायता मिलती है, लेकिन ये जो अष्टम में केतु बैठा है, ये किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी रसौली और गलत खान पान और गलत सोचना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर समस्याएं देता है तो आपको जो है वो गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। आपके विवाहित जीवन के जोड़े से आपको सुख है, और अगर आप विवाहित नहीं हैं, शादी नहीं हुई, तो शादी कर लीजिए। 23 अप्रैल तक भरपूर योग आपके बने हुए हैं और अभी तो फिलहाल बुध की स्थिति भी अच्छी है। सूर्य के स्थानांतरण से आपके कई सारे काम जो अटके हुए थे और ना अटक जाएं और विवाद और केसेस में ना भुलझ जाएं, इसलिए आप सूर्य को जल भी चढ़ाते रहें और कोई योजनाएं ऐसी ना बनाएं जिसमें आपको आगे चल के विवाद या केसेस हों। यात्राओं में अब बढ़ोतरी हो सकती है और कामों के ऑफर बढ़ सकते हैं, इसलिए अब आप कामों की तरफ मुंह मोड़ लीजिए। अपना पैसा जो संचित धन बिगड़ गया है आपका, उसको लाने की व्यवस्था कीजिए। परिवार में जो दुखी पना है उससे निजात पाने के लिए सभी की मदद कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर साप्ताहिक राशिफल का प्रभाव, सभी ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे थे। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें। माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, जिससे राहु केतु शनि की शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल लेकर अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एपी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशंस ओपन हैं अभी फिलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।